वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं NCERT क्लास 5 का इंग्लिश का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम टीम वर्क रिटेन बाय जैन निग्रो। तो आइए शुरू करते हैं यह पोएम। चलिए पोएम को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ न्यू वर्ड्स के बारे में जान लें ताकि हमें पोएम अच्छी तरह से समझ में आ जाए। टीम वर्क मतलब कंबाइंड एफर्ट ऑफ ए ग्रुप, यानी जब हम लोग ग्रुप में यानी समूह में एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसी को कहते हैं टीम वर्क। हुप, हुप बास्केटबॉल में लकड़ी या आयरन का बना हुआ एक रिंग होता है जिसके नीचे जाल लगा हुआ रहता है, और जब हम लोग बास्केटबॉल खेलते हैं तो हमें बॉल को उस रिंग में डालना होता है। पासेस यानी आगे की तरफ बढ़ाना। रिले रेस, रिले रेस एक प्रकार का गेम है जिसमें दो टीम होती हैं और हर एक टीम के पर्सन को यानी मेंबर को अपने हाथ में बैटन यानी मसाल लेकर आगे चलना पड़ता है और कुछ देर चलने के बाद अगले व्यक्ति को वो मसाल देना होता है। इस तरह से ये गेम चलता है। बैटन एक छोटा लकड़ी का मसाल होता है जिसी को कहते हैं बैटन, और ये बैटन लेके रिले रेस में लोग आगे आगे चलते हैं और कुछ देर चलने के बाद अपने अगले आदमी को वो बैटन थमा देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना यह पोएम और आनंद लेते हैं इस सुंदर पोएम का। टीम वर्क, टीम वर्क, टीम वर्क, टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क, देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन, टीम वर्क एवरीवन। इन पंक्तियों में पोएट हमें बताना चाहते हैं कि जब हम लोग टीम वर्क में यानी ग्रुप में या समूह में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो इससे हमारा सपना साकार होता है, यानी अगर हम टीम वर्क में मिलकर काम करें तो हम अपने सपने को साकार कर सकते हैं और उसके बाद हम अपनी खुशियों को आपस में बांट सकते हैं जो कि हमने साथ मिलकर पूरा किया है, और इस तरह सभी को एवरीवन को टीम वर्क में काम करना चाहिए ताकि वह अपने सपने को साकार कर सके। इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हुप बट इफ नोबडी पासेस देन नोबडी शूट्स। इन पंक्तियों के माध्यम से पोएट हमें बताना चाहते हैं कि जब हम लोग बास्केटबॉल खेलते हैं तो हुप में बॉल डालने में हमें बहुत आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है, लेकिन अगर हमारे साथ इस गेम को पार्टिसिपेट करने वाला कोई नहीं हो यानी बॉल पास करने वाला ही कोई नहीं हो हमारे साथ तो हम इस गेम को नहीं खेल सकते हैं, यानी हम बॉल को हुप में नहीं डाल सकते हैं और फिर हमें कोई आनंद नहीं आएगा। एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन इफ नोबडी वांट्स टू पास द बैटन। और आगे कभी कहते हैं कि अगर रिले रेस में कोई व्यक्ति पार्टिसिपेट नहीं करे तो क्या होगा, और कोई व्यक्ति बैटन को पास ही ना करे तो फिर यह गेम नहीं हो सकता है, यानी बैटन कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं क्योंकि इसमें तो टीम काम करने के लिए होना जरूरी है, तभी तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बैटन पास करेगा और ये रिले रेस हो पाएगा। तो इसी तरह से कभी हमें ये बताना चाहते हैं कि टीम वर्क में मिलजुल कर एक साथ काम करने का अपना एक अलग ही मज़ा होता है और उसी से हमारे सपने साकार होते हैं। लास्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं वी आर द पार्ट्स दैट मेक अप द होल एंड वी हैव गॉट आवर आइज ऑन ए कॉमन गोल, समटाइम्स इट कैन बी ए बिग प्लस व्हेन ए यू और ए मी बिकम्स एन अस। पोएट कहते हैं कि हम सभी छोटे छोटे पार्ट हैं एक टीम के, यानी हम सब मिलकर ही एक टीम का निर्माण करते हैं और हम सब की आंखें एक सामान्य गोल पर यानी एक कॉमन गोल पे यानी लक्ष्य पे होती है, और कभी कभी यही एक बिग प्लस यानी एक प्लस पॉइंट बन जाती है, हमारी मजबूती का, हमारी एकता का
आधार बनती है, जब मैं और तुम मिलकर हम बन जाते हैं, यानी जब हम सब साथ मिलजुल कर काम करते हैं, तब क्या होता है कि हमारी ताकत बढ़ जाती है, यानी हमारी पावर इम्प्रूव होती है और हम मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी अपने हर सपने को साकार कर सकते हैं। अगर हम सभी एक साथ मिलकर टीम वर्क के रूप में काम करें तो हम अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा, मिलकर साथ काम करना होगा और हम सब का एक ही लक्ष्य यानी एक ही गोल होना चाहिए। जब मैं और तुम मिलकर हम बन जाएंगे तो हम लोग मिलकर किसी भी काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं और अपने सपने को साकार कर अपनी खुशियों को आपस में बांट सकते हैं। इसीलिए कभी इस पोएम के माध्यम से हमें टीम वर्क में मिलजुल कर साथ काम करने की सलाह देते हैं और टीम वर्क की मजबूती का, एकता का हमें एहसास दिलाना चाहते हैं कि किस तरह से अगर हम अकेले अकेले काम करें तो हम अपने लक्ष्य को शायद ही पा सके। जब हम अकेले अकेले काम करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी लगानी पड़ती है और बहुत सारा टाइम भी बर्बाद होता है, लेकिन जब हम लोग सभी साथ मिलकर काम करते हैं तो वही काम ईजी हो जाता है और बहुत आसानी से हो पाता है। और यही एकता, यही टीम वर्क हमारे लिए प्लस पॉइंट बन जाती है और हमें मजबूती प्रदान करती हैं ताकि हम अपने सपने को साकार कर सकें। तो उम्मीद है यह पोएम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपको बहुत मज़ा भी आया होगा। तो अगर आपको यह पोएम अच्छा लगा है तो फिर इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि यह पोएम आपको कैसी लगी। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी पोएम आपको सुनने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।